देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया आपको, इन ट्रेपीजियम एबीसीडी दिया है, है ना, ट्रेपीजियम दिया है, साइड ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है और पी क्यू डी सी के साथ पैरेलल है, ए पी इज इक्वल टू 15 दिया है, पी डी इज इक्वल टू 12 दिया है, क्यू सी दिया है 14 और फाइंड बी क्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो इजी है, तो क्या दिया है, ए बी किसके साथ पैरेलल है, पी क्यू के साथ पैरेलल है, और पी क्यू किसके साथ पैरेलल है, साइड डी सी के साथ। ऐसा रहेगा तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी का है, देखो बताता, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज करना है, ये तीन पैरेलल लाइंस है ना, ए बी पी क्यू डी सी, ये तीन पैरेलल लाइंस है और ए क्या है उसका इंटरसेक्ट है ना, इंटरसेप्ट है ए, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस बीपीटी जैसा ही, तो क्या आएगा, ए पकड़ेंगे तो एपी अपॉन, बोलो एपी अपॉन पीडी, पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, है ना, हमें बाकी के सारे वैल्यूज दिया है, सिर्फ बी क्यू निकालना है। एपी कितना दिया है 15, पीडी कितना दिया है 12 दिया है, 12, और बी क्यू कितना दिया है, बी क्यू निकालना है, हाँ, क्यू सी 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो बी क्यू कितना आएगा, देखो 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12 आएगा ना, अभी डिवाइड करो 27 जा 26 जा, हाँ तो 3 6 35 जा 15, तो 57 जा 35 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो फिर से, 21 जा 2 टेस्ट 27 जा 14.25 जा 10, तो BQ कितना आएगा 17.5 आएगा, आया समझ में? सर क्यों है डायरेक्ट सगळं केलं तर 15 इनटू 14 प्लस द जेन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अभी देखो, फाइंड क्यूपी यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है, हाँ तो इधर भी हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एन क्यू क्या है, एन क्यू एंगल बाइसेक्टर है किसका, इधर इक्वल दिया है ना एंगल, तो आप यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या आएगा, देखो सपोज एम पकड़ेंगे तो यम पकड़ेंगे तो क्या आएगा, यम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू यम एन अपॉन एम एन अपॉन एन पी आएगा। वैल्यूज डालो, यम क्यू कितना दिया है 14 दिया है, अपॉन क्यू और क्यू पी निकालना, क्यू पी निकालना, यम एन कितना दिया है 25 और 40, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्यू पी इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 14 इंटू 40 अपॉन 25 आएगा। अभी डिवाइड करो, 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो 14 इंटू 8 तो कितना आएगा 112 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 से डिवाइड करो, 5 टू जा 10 12 होगा, 5 टू जा 10 2 पॉइंट दे दो और 5 4 20, तो आपका क्यू पी कितना आएगा 22.4, आया समझ में, देखो इसका